नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। दूसरों की जमीन अपना बताकर फसल काट लेना, दबंगई से जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश। अटौला से हमारे संवाददाता हेमंत कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मिराल प्रखंड अंतर्गत परसही टोला निवासी एक महिला की जमीन का फसल जबरदस्ती काट लेना एवं धमकी देना, बार बार अक्सर कहा जाता है कि यह जमीन मेरा है। यह गरीब परिवार, इतने गरीब परिवार हैं कि रोज कमाते हैं तो खाते हैं, जो कि इनका ससुर रतन चमार के नाम पर डिमांड 1941 से चलता आ रहा है। सोना कुंवर का कहना है कि आज मेरा खेत में से मक्का तिल जबरदस्ती काटकर लाठी डंडा टांगी का भय दिखाकर रामचंद्र राम, नागेंद्र राम, रामजस राम, लक्ष्मण राम, मनोज राम, शीला देवी द्वारा पूरा फसल काटकर अपने घर ले जाया गया और धमकी भरे लहजों में कहा गया कि जहां जाना है वहां जाइए, हम समझ लेंगे, यह जमीन मेरा है। जो कि सामाजिक तौर पर पंचायती भी हुआ था, वो मानने को तैयार नहीं है, जो कि हमने सीओ को आवेदन 2 माह पूर्व में दिए हुए हैं, अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला न्याय के लिए मीडिया का सहारा ले रही है। महिला का कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा पूरा परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार से है, हम किसके पास जाएं। मौके पर असहाय पीड़ित पूरे परिवार शामिल थे। क्या है मामला? मामला सर, हम लोग के खेती किए थे, हमने तिल रहर बुने थे, बराई बुने थे, मकई बुने थे। आदमी आन के, वो क्या बोलते हैं कि दूसरे का परसही गांव का आदमी है, वो लोग काट लिया हमने के तिल। अब बोलता है कि चला गाली उली देता है, गोली बंदूक ये करके ले गया काट के तिल। हम लोग के एक ट्रैक्टर के आसपास वो ले गया तिल। जो जमीन में आप तिल रहर जो मक्का बुने हैं, वो जमीन किसका है? इनका है? मेरा पर बाबा का नाम से, रतन चमार का नाम से सर, वो मेरा जमीन है, वो उसका पेपर हमारे पास है। तो उन लोग अपना जबरदस्ती कर रहा है कि वो मेरा जमीन है, कह के मेरा अपना काट के ले गया ना, ऐसा कह रहा है सर वो लोग, हमारा है। और सामाजिक प्रक्रिया भी हुआ, उसमें आदमी समझाता, वो लोग का देव लोग नहीं मान रहा सर। क्या बोल रहा है? बातें नहीं मान रहा है वो लोग, फिर दोबारा यहाँ के काट रहा है, ले जा रहा है। जो तू कुछ पर हमारा हम काटा बैठे। क्या नाम है उनका? उनका नाम ही है, क्या बोलते हैं कि श्याम सुंदर राम, रामचंद्र राम, रामजस राम, लक्ष्मण राम, मनोज राम, और उनका उनका घर का महिला लोग है। तो कब इस घटना हुआ है? घटना सर आज हुआ, अभी जस्ट हुआ, आधा घंटा पहले हुआ सर, कल से हो रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग और जगह शिकायत भी किए सर। कहीं आवेदन दिए इसके बारे में? वो 2 महीना पहले हम लोग सीओ साहब के पास आवेदन दिए, और कल के डेट में हम लोग थाना प्रभारी के पास गए, आज भी गए सर जस्ट। तो सीओ क्या बोले? सीओ सर तो कहाँ, अभी तो कुछ फैसला हम लोग को नहीं दिए। दो महीना हो गया मतलब आवेदन दिले। हाँ, इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ सर अभी तक। और कुछ बोलना चाहेंगे? और को क्या बोलेंगे सर, हम लोग के जबरदस्ती लोग कर रहा, काट रहा, ले गया। हम लोग आदमी नहीं, हम लोग मार कर सकते हैं ना इन लोग के साथ में। दमबंगी दिखा रहा है वो लोग सर, समझे ना, वो लोग ज्यादा संख्या में लाठी डंडा घड़ा बड़ा सा लेके गोली बंदूक झोटा धरने ले रहे, झूला फार दे ले बा सब। का नाम हुआ आपका? सर हीरा राम नाम हुआ। घर? ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सेंट्रल हॉस्पिटल नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सनबरिया टेम्पो स्टैंड के सामने, मेन रोड मिराल। हमारे यहाँ सभी बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि से ऑपरेशन उपलब्ध है। इसके साथ ही हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, OPD, IPD, गायनी सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी आदि की सुविधा के साथ आधुनिक मशीनों द्वारा जांच की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा लकवा, गठिया, साइटिका एवं नस संबंधी बीमारी का सफल इलाज भी किया जाता है। सेंट्रल हॉस्पिटल नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संगबरिया टेम्पो स्टैंड के सामने, मेन रोड मिराल। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7366994765। दूसरा नंबर है 6203271048।